आगे बढ़ते हैं। भोपाल नगर निगम आजकल अपने एक फैसले को लेकर विवादों में है। जयपुर नगर निगम में सुबह शाम राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत गाने के फैसले के बाद अब भोपाल नगर निगम ने भी इसे लागू करने का मन बना लिया है। विपक्ष इस फैसले पर सवाल खड़े कर रहा है, लेकिन सत्ता पक्ष इसके पीछे देशभक्ति की दुहाई दे रहा है। भोपाल नगर निगम के दफ्तर में अब दिखेगा देश प्रेम। सुबह राष्ट्रगान के बाद दफ्तर में काम होगा शुरू। शाम में राष्ट्रगीत के बाद ही काम होगा खत्म। अब शिवराज में होगा देशभक्ति का टेस्ट। पहले जयपुर, अब भोपाल नगर निगम देशभक्ति की नई पाठशाला बनने जा रही है। जयपुर नगर निगम के जैसा ही भोपाल नगर निगम भी देशभक्ति का वही फॉर्मूला अपनाने जा रहा है, जिसे कल से जयपुर नगर निगम में लागू किया गया है। यानी देशभक्ति का जो टेस्ट जयपुर नगर निगम के दफ्तर में शुरू किया गया है, वही टेस्ट अब शिवराज सिंह चौहान के राज में भोपाल नगर निगम में होगा। भोपाल नगर निगम के दफ्तर में भी राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत अनिवार्य करने की तैयारी की जा रही है। भोपाल नगर निगम में जल्द ही दफ्तर आने पर राष्ट्रगान और छुट्टी के समय राष्ट्रगीत गाया जाएगा। इसके लिए बकायदा परिषद में चर्चा के लिए प्रस्ताव पेश किया जाएगा। अगर इस प्रस्ताव पर सहमति बनेगी तो इस नियम को लागू कर दिया जाएगा। आने वाले समय में नगर निगम भोपाल भी इसमें हम सभी पार्षदों के साथ बैठकर चर्चा कर इस पे निर्णय लेंगे। मैं समझता हूँ कि राष्ट्रीयता सबसे पहले हमारे लिए होना चाहिए, क्योंकि दुनिया में हम कहीं पे भी जाते हैं तो नेशन पहले होता है, देश पहले होता है, राष्ट्रीयता पहले होती है, परंतु हमारे देश में राष्ट्रीयता बाद में होती है। पर इसके लिए अब समय बदल रहा है, लोग इसके लिए आगे आ रहे हैं, सरकारी प्रतिष्ठानों और प्राइवेट संस्थानों को भी इसके लिए आगे आना चाहिए। बहुत ही जल्दी नगर निगम भोपाल भी इसमें उचित निर्णय लेगा। नए मसौदे के तहत जयपुर नगर निगम की तर्ज पर भोपाल नगर निगम में भी रोजाना नगर निगम के कर्मचारी सुबह 9:55 पर राष्ट्रगान के साथ काम की शुरुआत करेंगे और दफ्तर का समय खत्म होने के बाद शाम 5:55 पर राष्ट्रगीत गाकर खत्म करेंगे। यानी सुबह शाम राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत गाना अनिवार्य कर दिया जाएगा। चर्चा के बाद भोपाल नगर निगम के मेयर इस पर दिशा निर्देश जारी करेंगे। हालांकि विपक्ष इस फैसले पर सवाल खड़ा कर रहा है। भारतीय जनता पार्टी की जहां जहां सरकारें हैं वो विकास से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए इसी तरह की बातें कर रहे हैं। कभी गोहत्या की बात करते हैं, कभी लव जिहाद की बात करते हैं, कभी जो है वो हिंदू मुस्लिम के बीच में सांप्रदायिक शक्तियों को डाल देते हैं और समाज के अंदर वैमनस्यता फैलाने का काम कर रहे हैं। और अब जब लोग विकास की बात करते हैं 3.5 साल बाद, तब ये वंदे मातरम की बात करने लगते हैं, तब ये जनगण मन की बात करने लगते हैं। कल से ही जयपुर नगर निगम में इस फैसले को लागू किया गया है। मंगलवार को जयपुर नगर निगम मुख्यालय में मेयर अशोक लाहौटी की मौजूदगी में राष्ट्रगान से नई परंपरा की शुरुआत हुई, जिसके बाद राजस्थान की सियासत में उबाला गया है और अब तक विरोध और बयानों का दौर जारी है। मेयर अशोक लाहौटी ने राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत नहीं गाने वालों को पाकिस्तान जाने की नसीहत तक दे डाली। हालांकि विवाद बढ़ने के बाद सफाई देने में भी देर नहीं लगाई। मैं राष्ट्रभक्ति की भावना से जुड़ा हुआ कोई इसी के लिए किसी के थोप नहीं रहा। हम केवल ये कह रहे हैं कि हम ये इसको एक करेंगे, पॉजिटिव वे में करेंगे, और पॉजिटिव वे में करेंगे। जिसको करना हो करे, जिसको नहीं करना हो नहीं करे। सिनेमा हॉल में राष्ट्रगान बजाए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद से देश भर के अलग अलग नगर निगमों में इसे लागू किया जा रहा है। करीब 8 महीने पहले बेंगलुरु नगर निगम में भी ऐसा ही एक फैसला लागू किया गया था, जिसके बाद से राष्ट्रगान गाया जाना वहां की परंपरा में शामिल हो गया है। We spoke in the council saying that when movie theaters national anthem can be sung, why should we not sing it in the council? And last year I spoke about this and all the 198 corporators and the nominated corporators agreed and they said, yes, let us start the national anthem in the corporation. And for the past 8 months, national anthem has been sung in the corporation. नगर निगम की दलील है कि दफ्तर में राष्ट्रगान और राष्ट्रगीत बजाने से कर्मचारियों में देशभक्ति और सामूहिकता की भावना जगाने में सहायता मिलेगी। लेकिन विपक्ष का आरोप है कि जानबूझकर इस तरह के फैसले लिए जा रहे हैं ताकि मूल मुद्दों से ध्यान
भटकाया जा सके।